नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप और आपके अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो कैसे बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आपका टाइम पास नहीं करूँगा और ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में एक प्रोफेशनल लोगो कैसे क्रिएट करना है ये बता दूँगा। सो फ्रेंड्स, आपको लोगो क्रिएट करने के लिए पिक्स आर्ट की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगो क्रिएट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पिक्स आर्ट, अब हम इसे ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिक्स आर्ट ओपन होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको सिर्फ प्लस वाले अकाउंट पर क्लिक करना है और प्लस वाले अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे बहुत सारे बैकग्राउंड्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें से एक आपके मन पसंद का चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अपने एक बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद आपको या टूल्स में जाना है और अपना बैकग्राउंड जो है वो क्रॉप करके स्क्वायर वाले शेप में लेना है। और स्क्वायर वाले शेप में लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको जाना है टेक्स्ट में जाने के बाद आपको अपने चैनल का नेम राइट करना है। आपको पूरा नेम यहाँ पे राइट करना नहीं फ्रेंड्स, आपको सिर्फ अपने चैनल का फर्स्ट लेटर यहाँ पर राइट करना है और क्लिक करना है राइट पर। राइट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप ओपन होने के बाद आपको इसको कलर देना है फ्रेंड्स। बहुत सारे कलर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, इसमें से एक आप चूज़ कर लेना। इसके बाद आपको स्ट्रोक यहाँ पर मिल जाएगा। स्ट्रोक अब अपने मन से या से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो स्ट्रोक देने के बाद या से आप फॉन्ट भी चूज़ कर सकते हो। इतना होने के बाद आपको साइड के ऊपर में जो राइट वाला एरो दिखता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल का जो सेकंड नेम जो कि मेरे इसका के, वो मैं अब यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर टाइप करता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पर टाइप करने का अपना नाम, और टाइप करने के बाद इस एरो पर आपको क्लिक कर देना है राइट पर। होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपको इसको छोटा बनाकर ऐसा लगा देना है ताकि आपका जो लोगो है वो एकदम अट्रैक्टिव दिखे। उसके बाद आप इस लेटर को जो भी कलर देना है आपके मनपसंद का आप दे सकते हो। और उसके बाद उसको स्ट्रोक भी देना है फ्रेंड्स, ताकि अपना जो लोगो है वो एकदम अट्रैक्टिव दिखता है। इतना होने के बाद आपको फिर से ऊपर वाले राइट वाले एरो पे क्लिक करना है। और राइट वाले एरो पे क्लिक करने आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद हमको इस लेटर्स को कट मारना है। इसके लिए हमें जाना है ड्रॉ में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपने बैकग्राउंड का कलर चूज करना है। और कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको में जाना है और यहाँ से ये वाला जो एरो है वो लेना है और उसको स्ट्रोक में नहीं रखना है, फिल कर देना है ताकि आपका एरो जो है वो दिखने में अट्रैक्टिव दिखे। और ऐसा ऊपर से जो एरो को फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये आप कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो इसके बाद आपको फिर से राइट देना है और राइट करने के बाद अब ये शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, जब आप अपने लिए बनाओगे तब आपको टाइम देकर अच्छा सा बनाना है। मैं यहाँ पर फर्स्ट आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, इसीलिए मेरे से एकदम अट्रैक्टिव नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, अब आपको फिर से एक बार टेक्स्ट में जाना होगा और अपने चैनल का जो नाम बचा है वो यहाँ पर पूरा आपको लिख देना है। जैसे कि अब मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, और उसके बाद आपको राइट करना है। और आपको जब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको ऐसा एकदम फिक्स कर देना है और इसका कलर भी आपको चेंज कर देना है ताकि वो दिखने में अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद उसको स्ट्रोक भी देना है फ्रेंड्स, स्ट्रोक को यहाँ से कम ज़्यादा करना। उसके बाद आपको फिर से राइट करने का है, और राइट करने के बाद आपको फिर से इसको टूल्स में जाना है और ये जो अपना लोगो है इसको शेप देना है फ्रेंड्स, राउंड वाला। आपको फिर
राउंड वाला शेप देने के लिए ये यहाँ पे राउंड वाला शेप मिल जाएगा। ये शेप देने के बाद आपको ऐसा एक फिक्स कर देना है फ्रेंड्स, और आप देखो अपना जो लोगो है वो एकदम अट्रैक्टिव दिख रहा है। यहाँ से आप राउंड वाला फिक्स को जो शैडो है वो भी दे सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, अब एक ऐसा अट्रैक्टिव दिख रहा है। इसके बाद मैं आप इसको सेव कर देता है फ्रेंड्स, ये आप गैलरी में सेव हो जाएगा। फिर आपने जाकर देखना है कि अपना लोगो कैसा दिखता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिर हमारे इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दो और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो फ्रेंड्स। और आप हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करो और ऑल नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दो, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको देखने को मिल सके। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड न्यू वीडियो लेकर आता हूँ। सब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।